गाइज, अगर आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हो और वेबसाइट ओपन होने के दौरान कभी कभार आपके सामने एक इस तरह का प्रॉब्लम शो करता है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, तो आप इस प्रॉब्लम को, माने आप इस एरर को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउजर ओपन है और आप अपने क्रोम ब्राउजर में कोई साइट डालकर आप उसे सर्च करते हो या ओपन करते हो, तो आपके सामने एक इस तरह का एक प्रॉब्लम शो होता है, दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो आप इस प्रॉब्लम को, मैंने आप इस एरर को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो आपको सिंपली करना यह है कि आप यहाँ पे टॉप राइट की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको थ्री डॉट का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे थ्री डॉट का एक ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का एक बटन आपको जरूर दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन सेटिंग्स का आपको दिख रहा होगा, सेकेंड लास्ट ऑप्शन। तो आपको सिंपली इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली इसे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इस प्राइवेसी वाले माने ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको करना यह है कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आप यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन देख रहे होंगे, क्लियर ब्राउजिंग डेटा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने यहाँ पे सिक्स डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना ये है कि यहाँ पे आपको थ्री ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है तो आपका, तो यहाँ पे मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आपको यहाँ पे थ्री ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद और आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, आपके यहाँ पे ऑल टाइम का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स या लास्ट 7 डेज यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आपको करना यह है कि आपको यहाँ पे ऑल टाइम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे क्लियर डेटा का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैंने आपको यहाँ पे एक बटन शो हो रहा होगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, देन क्लियर। क्लियर हो जाने के बाद अब आपको करना यह है कि आपको सिंपली इसे बैक करना है। बैक करने के बाद और आपको करना यह है कि आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पे जो आप साइट डाल रहे थे, तो आपको उस साइट को टैप करके, मैंने वहां पे आपको उस साइट को डालकर उसे सर्च करना है। अगर बाय द वे आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाय द वे उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, तो मैं आपको एक और उपाय बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको करना यह है कि आपको सिंपली अपने सेलफोन के सेटिंग में जाना है, मैंने अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के सेटिंग में चला जाता हूँ। मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आप यहाँ पे नीचे की ओर इसे स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, लास्ट सेकेंड वाले ऑप्शन ऐप मैनेजमेंट पे। क्लिक करने के बाद और आपको करना यह है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन ऐप सेटिंग का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे टाइप कर सर्च करना है क्रोम, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने क्रोम का एक ऐप आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको सिंपली इसे ओपन करना है और आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा क्रोम ब्राउजर का। तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन में आपको स्टोरेज एंड कैसे का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको करना यह है कि आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे क्लियर कैसे का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियर स्टोरेज का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन में क्लियर ऑल डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप शो होगा जहाँ पे लिखा है डिलीट ऐप डेटा, ऑल क्रोम ऐप डेटा विल बी डिलीटेड परमानेंटली, दिस इंक्लूड्स ऑल फाइल सेटिंग्स अकाउंट डेटाबेस एक्सेट्रा। तो आपका जो यहाँ पे आपका क्रोम ब्राउजर में जो भी डेटा है, जो भी सेटिंग्स वगैरह है, वो टोटल आपका सेटिंग्स मैंने डिलीट हो जाएगा, आपका जो भी डेटाबेस वगैरह है वो आपका डिलीट हो जाएगा और आपके मैंने क्रोम ब्राउजर में जो अकाउंट आपका ऐड है,
ठीक है, तो वो अकाउंट भी आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो क्रोम ब्राउजर में आपका जो अकाउंट है, जीमेल का जो अकाउंट ऐड है, वो अकाउंट भी यहाँ से हट जाएगा। तो आपको करना ये है कि आपको सिंपली इसे ओके कर लेना है, क्रोम का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे इसके बाद भी आपको क्रोम का जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता है, तो आपको सिंपली करना ये है कि आपको अपने प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है सुपर वीपीएन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुपर वीपीएन का आपको यहाँ पे एक ऐप दिख रहा होगा। तो आपको सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको इस ऐप को ओपन करना है और आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने यहाँ पे एक कंटिन्यू का एक बटन शो हो रहा होगा। तो आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपको करना ये है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कनेक्ट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको सिंपली इस कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और यहाँ पे जो आपका वीपीएन है यहाँ पे कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और कनेक्ट हो जाने के बाद अब आपको करना ये है कि आपको अपने क्रोम ब्राउजर को वापस से ओपन करना है। और जो आप साइट डालकर ओपन कर रहे थे, मैंने आप जो साइट डालकर उसे सर्च कर रहे थे, तो आपको सिंपली उस साइट को वापस से डालकर उसे सर्च करना है और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे एक सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।